अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम के हेल्थ सेक्शन है, और दोस्तों जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, दूसरे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए जड़ी बूटी को स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को मरोड़ फली के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों मरोड़ फली को इसके अलावा मरोड़ फली भी बोला जाता है, मुराद शेंग भी बोला जाता है, और दोस्तों इसके अलावा इसे इंडियन स्क्रू भी बोला जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे हेलिकेरस इसोरा बोला जाता है। और दोस्तों नेटिव तौर पे ये साउथ एशिया और नॉर्थ ओशनिया के अंदर जड़ी बूटी पाई जाती है। दोस्तों दिखने के अंदर बिल्कुल घुमावदार स्क्रू की तरह मालूम होती है, और दोस्तों इस वजह से इसे इंडियन स्क्रू हर्ब भी बोला जाता है। और दोस्तों जायके के लिहाज से ये बिटर टेस्ट लिए होती है। और दोस्तों मरोड़ फली को हकीम लोग बहुत सारी देसी अद्वियात के अंदर शामिल करते हैं और इसे इलाज करते हैं। और दोस्तों मरोड़ फली जड़ी बूटी को आंतों की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आंतों की तमाम बीमारियों का इलाज इसके साथ किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा खून को भी ये साफ करता है, और दोस्तों ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके पेट के अंदर दर्द रहती है, स्टॉमिक पेन रहता है, उसके इलाज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें अक्सर जो है लूज मोशन लगे रहते हैं, तो उनके लिए यह बेहतरीन है जड़ी बूटी। और दोस्तों मरोड़ फली के एक से दो खुराकों से ही लूज मोशन खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा डायबिटीज मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों कान की स्वेलिंग के, कान के दर्द के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मरोड़ फली के साथ कैंसर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टी रखती है, जिसमें इसे गिल्टी ट्यूमर वगैरह को खत्म करती है। और दोस्तों इसके अलावा खांसी के सिरप्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मरोड़ फली आपको आसानी के साथ पिंसारी शॉप से मिल जाएंगी, या दोस्तों से आप इसे ऑनलाइन हर्बल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे मरोड़ फली के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। और दोस्तों बात कर रहे थे इसके मकदार खुराक और साइड इफेक्ट्स के वाले से। और दोस्तों मरोड़ फली को बाजार से लाकर आप पीस के रख लें, और 1/4 टीस्पून इसे 1 कप पानी के अंदर बॉयल करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करें जिसके अंदर मरोड़ फली इस्तेमाल हो रही है, तो किसी अच्छे हकीम के साथ उस नुस्खा के हवाले से मशवरा कर लीजिएगा। इसे खुद से बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल ना कीजिएगा, इससे ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से किडनी डैमेज होती हैं। चलिए दोस्तों ये तो थे मरोड़ फली यानी इंडियन स्क्रू हर्ब के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मरोड़ फली के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों मजीद आपका कोई सवाल है मरोड़ फली के हवाले से, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमती वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, और दोस्तों उनके लिए मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोज़ भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।